वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज के इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे मुद्रा स्फीति के बारे में, और हम लोग बात करेंगे WPI के बारे में, IIP के बारे में, CPI के बारे में, और साथ ही साथ RBI के बारे में देखेंगे हम लोग, और सबसे अंत में देखेंगे मौद्रिक नीति यानी कि RBI द्वारा जो बनाया जाता है मौद्रिक नीति उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, बैंकिंग का जो सेक्टर है वो सारा चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे, और इस वीडियो में ये दो तीन लेक्चर में हम लोग बैंकिंग सेक्टर का लगभग 50% कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर नंबर है वो है 12। तो मेरा नाम है राजेंद्र, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा परिचय है पढ़ना चाहें तो, और जो लोग इकोनॉमिक्स को शुरू से पढ़ना चाहते हैं ऊपर लिंक आ रहा होगा, क्लिक करें और शुरू से देखें। और अभी तक जिन्होंने बुक नहीं लिया है भाई, बुक ले लो यार, क्योंकि इस वीडियो से आपका बुक का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, और PDF है, और जो भी साइट्स के लिंक हैं वो मैं आपको दे दिया करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, है ना, बुक लिंक्स भी है नीचे। तो इकोनॉमिक्स का ये रोड मैप है, हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था, ये वाला पिलर, ये भी पिलर, और आज से हम लोग ये पिलर शुरू करेंगे, है ना। इसमें लिखा हुआ है प्राइस, मार्केट टाइप्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन वगैरह, तो ये सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे और ये 2 वीक में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आज क्या क्या पढ़ना है हमको, तो हमको पढ़ना है आज मुद्रास्फीति, उसके प्रकार, उसके कारण, उसको कैसे मेज़र करते हैं, उसको नियंत्रण कैसे करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, और रिज़र्व बैंक वो उसके कार्य देखेंगे। तो आज के मतलब इस वीक के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना बात करेंगे, ठीक है, 3 टॉपिक पे। उसके बाद अगले वीक पे हम लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम और ग्रामीण साख वगैरह के बारे में बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये अगले वीक में ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं मुद्रा स्फीति और अवस्फीति के बारे में। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो दोनों के डेफिनेशंस और क्या है दोनों, वो सारा चीज़ समझ लेंगे, कारण क्या है स्फीति और अवस्फीति का। उसके बाद मेज़र कैसे करते हैं, तो ये 3 इंडिकेटर हैं, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं इसको, तो इससे मेज़र करते हैं वो पढ़ लेंगे। तो कंट्रोल कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मुद्रा स्फीति है क्या चीज़। तो मुद्रा स्फीति का यदि सामान्य अर्थों में, शब्दों में समझा जाए तो इसको कहते हैं महंगाई। आप हमेशा हर दिन 2-3 दिन में एक ना एक बार इस वर्ड का यूज़ ज़रूर करते होंगे कि महंगाई बढ़ गई है बहुत, पिछले वर्ष किसी चीज़ का प्राइस इतना था, इस वर्ष इतना है, तो काफ़ी चीज़ें बढ़ गई है, रेट बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गई, ये सारा चीज़ आप अपने जीवन में 2-3 दिन में हमेशा कई बार इस शब्द का जिक्र करते होंगे। तो ये मुद्रा स्फीति सामान्य अर्थों में यही है, इसका डेप्थ में बाकी और कंसेप्ट है लेकिन उसमें नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो परिभाषा देख लेते हैं कि मुद्रा स्फीति की परिभाषा एक्चुअल में है क्या। किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय अवधि में, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं डेफिनेशन में याद रखना है कि दोनों चीज़ें शामिल हों, है ना, के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाने की स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रा स्फीति कहलाती है। ये सामान्य अर्थों में सामान्य परिभाषा है, ठीक है, तो इस चीज़ को लिखेंगे तो भी ये सही है। तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड में वस्तु और सेवा की क्या हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति। तो इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल मुद्रा स्फीति क्या है, है ना। सामान्य अर्थों में तो ये हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसमें होता है जैसे किसी वस्तु ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 1 किलो आलू रेट क्या है, 20 रुपये मान के चलिए पर केजी मिल रहा है। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो होगा क्या कि यही 1 किलो आलू कितने रुपए में मिलेगा, 25 रुपए में मिलेगा, तो क्या हो गया, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। तो सेम वेट पे यानी कि सेम क्वांटिटी पे जो वस्तु है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा उसका रेट जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या ज़्यादा मुद्रा देनी पड़ेगी। इसको और अच्छे से समझ लें तो उतने ही वेट अमाउंट का वस्तु जो है उसको लेने के लिए आपको क्या होगा, मुद्रा ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, तो ये हो जाता है मुद्रा स्फीति, ठीक है। तो कितना रुपए का बढ़ गया भाई, 5 रुपए बढ़ गया, है ना, तो ये हो गया। अब पता कैसे चलता है कि महंगाई बढ़ गई है, तो सामान्य सा बात है, एक निश्चित वर्ष में किसी वस्तु की कीमत से आज उस वस्तु की कीमत में अंतर यदि करते हैं तो क्या पता चल जाता है कि महंगाई, कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे 1 किलो आलू का प्राइस आज, मतलब आज का रेट हम लोग बात कर रहे थे तो 25 रुपये है, है ना, तो पिछले वर्ष मान के चलिए ये 15 रुपये एवरेज था, है ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोग कंपेयर किससे किए, पिछले वर्ष से कंपेयर किए यानी कि 2016 से कंपेयर किए 2017 के रेट को, ठीक है। तो आधार वर्ष क्या रखा हमने, ये 2016 को आधार वर्ष रखा, तो ऐसे किसी एक स्पेसिफिक ईयर
का कंपैरिजन आज के प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि मुद्रा स्फीति है या नहीं या फिर अवस्फीति है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वही लिखा हुआ है रेट आलू 15 रुपये कुछ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मुद्रा स्फीति के कारण क्या हैं और प्रकार क्या हैं। तो कारण में देख लेते हैं सबसे पहले, तो मुद्रा स्फीति का ही ये कारण नहीं है, अवस्फीति का भी कारण यही है और मुद्रा स्फीति का कारण भी यही है। तो अवस्फीति को हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले मुद्रा स्फीति देख रहे हैं तो उसी को देख लेते हैं। तो कारण में यदि बात किया जाए तो मुद्रा स्फीति का चाहे जो भी कारण हो, ठीक है, उसके आधार में ये होता है तीन चीज़, उत्पादन, वितरण और मुद्रा की आपूर्ति। ये तीन ही ऐसे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज़ का रेट बढ़ेगा या फिर किसी भी चीज़ का रेट घटेगा। तो मुख्यतः ये तीन चीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उत्पादन। उत्पादन क्यों है? यदि किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है, किसी समय, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पे, तो क्या होता है, वो उसका प्रोडक्शन कम हुआ तो मान के चलिए यदि उसका डिमांड ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा कि रेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि सप्लाई कम हुआ तो क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ये लिखा हुआ है सप्लाई, है ना, वितरण यानी कि सप्लाई। यदि सप्लाई कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब रेट्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद तीसरा है मुद्रा की आपूर्ति। ठीक है, तो जैसे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ गए तो क्या करने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दाम में खरीदने लग जाएंगे। मान के चलिए अभी कोई मोबाइल है 1000 रुपये का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास पैसे आ गए, नॉर्मल से अत्यधिक पैसे आ गए, मतलब एवरेज जितना, यदि मान चलिए आपके पास हर दिन कितना रुपये रहता है, 1000 रुपये रहता है, ठीक है, सभी लोगों के पास, तो क्या एक दिन अचानक से सबके पास क्या हुआ, 2000 रुपये होने लग गया। तो मान के चलिए इस मोबाइल का रेट कितना है, 1000, तो क्या होगा, यदि मोबाइल भी की क्वांटिटी है, ये दो मोबाइल है मान चलिए मार्केट में, तो क्या होगा, आपके पास 2000 रुपये है अभी, तो आप क्या करेंगे, आपको ये मोबाइल ख़रीदना है तो आप इसको 1200 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, 1500 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वही है, मनी का गेम है। तो यदि पैसे बढ़ जाते हैं या फिर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं कि मुद्रा के प्रकार, मतलब मुद्रा स्फीति के प्रकार तो क्या हैं, मतलब मुद्रा स्फीति के दो प्रकार हैं। सबसे पहला है मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति टोटली डिमांड बेस्ड, मतलब डिमांड, मांग के आधार पर जो इन्फ्लेशन होता है वो है, अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा है लागत जन्य मुद्रा स्फीति। तो लागत जन्य मुद्रा स्फीति में क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है किसी भी चीज़ का वो बढ़ जाता है। तो एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले देखते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति है क्या चीज़। तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। यदि वस्तुओं की आपूर्ति के सापेक्ष, यानी कि सप्लाई, ठीक है, के सापेक्ष मांग में आधिक्य हो तो बिक्रीकर्ता और उपभोगकर्ता, ठीक है, यहाँ दो आस्पेक्ट हैं, आपस में स्पर्धा करते हुए ऊंची कीमत की बोली लगाते हैं, जिससे कीमतें क्या हो जाती, बढ़ जाती है। कि मतलब सप्लाई कम है किसी भी चीज़ का और क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है। तो वही मैंने बताया कि प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, मतलब सप्लाई साइड कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो कंपटीशन होगा किसके किसके बीच, मतलब एक तो होगा कंपटीशन ये सेलर्स के बीच में होगा, और दूसरा कंपटीशन जो होगा वो होगा उपभोक्ताओं के बीच में। अब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। आप बकरी ईद का जो त्यौहार होता है, ठीक है, तो इस टाइम आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे कि एक बकरे की कीमत 1,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये, तो ये है क्या चीज़, मतलब आप इस त्यौहार के समय आप हमेशा सुनते होंगे कि बकरों की कीमत इतनी रुपए हो गई है। तो होता क्या है, एक्चुअली बकरों की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती है तुलनात्मक रूप से बाकी जितने भी मतलब खरीदने वाले हैं, ठीक है, उससे। तो सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, और ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हो गए। तो होगा क्या कि जितने भी बेचने वाले लोग हैं, ये लोग मनमाना रेट लगाएंगे कि मतलब हम इतना लगा रहे हैं, आपको ख़रीदना है तो लो, नहीं तो जाओ, ये वाला कंसेप्ट चलेगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, रेट खुद इन लोग तय करेंगे, बढ़ा देंगे घटा देंगे ये इनकी मर्जी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सब बढ़ाते ही हैं, है ना। तो ये आपको पता चल गया डिमांड बेस्ड, यानी कि डिमांड हो रहा है, बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं और दुकानदार अपने हिसाब से रेट बढ़ाता रहता है। तो ये हो गया सेलर साइड का। अभी उपभोक्ता साइड क्या होता है, उपभोक्ता साइड होता है कि उपभोक्ताओं के पास पैसे होते हैं क्योंकि त्यौहार है, तो होगा क्या, सभी के पास पैसे पर्याप्त होते हैं,
तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेट, जितना भी रेट हो उसमें ये लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि जैसे मान के चलिए सामान्य, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे सामान्य समय में, तो किसी चीज़ किसी बकरे की कीमत 5,000 है, ठीक है, तो इस त्यौहार के समय वो हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो सेलर चाहे 10,000 लगा रहा, 20,000, लेकिन पैसे हैं तो खरीदेंगे ही सब कोई। तो ये है क्या है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। तो जनसंख्या में वृद्धि कैसे, तो लोग ज़्यादा बढ़ गए और रिसोर्सेस कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिमांड प्रेरित मुद्रास्फीति चालू हो जाएगी, है ना। उसके बाद मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, यानी कि पैसे ज़्यादा आ गए सबके पास तो हो जाएगा। उसके बाद उच्चतर व्यय, मतलब पैसे आ गए उसके बाद फिर खर्च कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अतिरिक्त आय, जैसे अतिरिक्त आय मतलब विदेशी आय, अलग एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ गया घर में, तो ये है। उसके बाद अवैध आय, आय वितरण में असमानता, ठीक है, तो ये कारण है, आप देख लीजिएगा इसको। मेनली ये सारा, ये तीन ही आस्पेक्ट्स में फिट बैठ जाता है सारा चीज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है, लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो लागत जन्य मुद्रास्फीति है क्या चीज़, तो ये नॉर्मली प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेस्ड है। मतलब जैसे आप पेन है, मान के चलिए कोई ये पेन है, ठीक है, तो अभी इसका कॉस्ट मान के चलिए कि 3 रुपये है एक पेन का, ठीक है, लेकिन क्या होगा, मजदूरों का जो मजदूरों की तनख्वाह है जैसे बढ़ानी पड़ गई किसी कंपनी को, ठीक है, और उसके बाद कच्चे, उसके बाद रॉ मटेरियल्स, यानी कि पेन जो है, पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक लगता है, स्याही वगैरह लगता है, जो निडिल वगैरह लगता है, वो सारा चीज़ खरीदने में खरीदते हैं जब ये लोग, तो क्या हो जाएगा, उस चीज़ का रेट बढ़ जाए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट क्या कर दे, टैक्स का रेट बढ़ा दे इस पे, तो क्या हो जाएगा, इस ये मान चलिए अभी 10 रुपये में बनता है, यदि ये सारा चीज़ बढ़ जाए, यानी कि क्या हो जाए, जो मजदूरों की जो तनख्वाह है वो बढ़ जाए, या फिर रॉ मटेरियल्स का रेट बढ़ जाए, टैक्स बढ़ जाए, तो 10 रुपये का पेन कितने में बने, ये 10 रुपये का जो पेन अभी मिल रहा है ये कितने में मिलेगा, 20 रुपये में मिलेगा। क्यों मिलेगा 20 रुपये में, क्योंकि ये जो पेन पहले 3 रुपये में बन रहा था, अब ये पेन बनेगा 5 रुपये में या फिर 10 रुपये में, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये चीज़ महंगा हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति, ठीक है। तो परिभाषा में भी यही लिखा है, यदि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए, जैसे कि कारण बता दिया हूँ यहाँ पे कि कारक सेवाओं के भुगतान में बढ़ोतरी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, या फिर टैक्स में बढ़ोतरी, तब लागत जन्य मुद्रास्फीति क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो समझा दिया आपको, कारण क्या क्या होता है, तो वही है, मजदूरी दर में वृद्धि हो जाएगी, टैक्स रेट बढ़ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फ्लेशन कम्प्लीट, है ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अब आगे चलते हैं डिफ्लेशन, यानी कि अवस्फीति। तो अवस्फीति की परिभाषा है, पढ़ लेते हैं परिभाषा क्या लिखा हुआ है, किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समयावधि में, किसी स्पेसिफिक टाइम में, वस्तुओं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में क्या हो, गिरावट हो जाने की स्थिति क्या कहलाती है, अवस्फीति, ठीक है। तो अवस्फीति जो है वो मुद्रास्फीति से काफ़ी अलग है, है ना, कैसे अलग है, तो रेट के स्तर में कम गिरावट, मतलब रेट के स्तर में गिरावट होने का ये मतलब नहीं है कि जैसे 10 रुपये का रेट जो हो गया 8 रुपये में अब मिल रहा है, तो ये इसको अवस्फीति कहेंगे, नहीं, यदि ये 10 रुपये का जो पेन है ये मिलने लगे 10 रुपये में 20 पेन, ठीक है, तो इसको कहते हैं अवस्फीति। यानी कि रेट्स इतने कम हो जाएं कि मतलब आपको बहुत कम कीमत अदा करने पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने लगें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। ये लाइन वही लिखा हुआ है कि महंगाई में नकारात्मक स्तर पर, महंगाई नकारात्मक स्तर पर जब पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है, यानी कि अवस्फीति। जैसे महंगाई अभी चल रही है कितना, 5% चल रही है, तो क्या हो जाएगा, -5% हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन कहलाएगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो ये वही आलू का एग्जांपल है। तो कैसे पता चलता है, तो वही आधार वर्ष, यानी कि पिछले वर्ष से आप कंपेयर करेंगे इस वर्ष की रेट्स, तो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। और ये सामान्यतः वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अवस्फीति के कारण क्या होता है ये आपको बता देता हूँ, कि मांग के सापेक्ष जब आपूर्ति में आधिक्य हो, यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन डिमांड कम हो। जैसे कि आप कुछ दिन पहले न्यूज़ में देख रहे थे होंगे, छत्तीसगढ़ में टमाटर को जो है ट्रैक्टरों के ऊपर से गुजारा जा रहा था, मतलब रोड में सारे टमाटर बिखेर दिए गए थे,
उसके ऊपर से ट्रैक्टर वगैरह चलाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि रेट्स इतने कम मिल रहे थे कि और ख़रीदने वाले लोग भी नहीं थे और रेट्स भी बहुत कम हो गया था। तो हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ ये कि आपूर्ति तो बढ़ गई लेकिन क्या हो जाएगा, ख़रीदने वाले कोई नहीं। ठीक है, मतलब 5 रुपये में 20 किलो टमाटर मिल रहा है, ठीक है, 25 किलो टमाटर मिल रहा है, तो इस तरीके का हो गया था। और उसके बाद नेक्स्ट है, सरकार करों की दरों में क्या कर दे, कमी कर दे। यहाँ पे कर नहीं लिखा हुआ है, सुधार लेंगे, करों की जो दर है उसमें कमी हो जाए, मतलब बहुत कम हो जाए टैक्स रेट्स, तो क्या हो जाएगा, वस्तुओं की कीमत भी गिर जाएगी। यदि उत्पादकों के बीच क्या हो, प्रतियोगिता का स्तर बहुत ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, अवस्फीति हो जाएगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल है जियो, ठीक है, एयरटेल, आइडिया, ये सारे लोग थे फील्ड में, लेकिन जियो क्या किया कि एक साल तक सबको फ्री में नेट वगैरह सारा चीज़ फ्री कर दिया, तो हुआ क्या, डिफ्लेशन हो गया, यानी कि सारी कंपनियां क्या हो गई, उनके रेट्स उनको भी कम करने पड़ गए। क्यों? क्योंकि कंपीट करना है, ठीक है, अपना मार्केट बनाए रखना है। तो हुआ क्या कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, और कंपटीशन करने के चक्कर में हुआ क्या कि डिफ्लेशन हो गया, सारे रेट्स गिर गए, अभी आप खुद देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये टैक्स, कई बार क्या गवर्नमेंट मान के चलिए कि 2 दिन के लिए टैक्स मतलब लेना बंद कर दें किसी भी चीज़ में, सारा चीज़ में, चाहे आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं उन सभी में टैक्स हॉलीडे हो जाए, मतलब टैक्स लेना बंद कर दे गवर्नमेंट 2-3 दिन के लिए, तब क्या हो जाएगा, चीज़ों की जो रेट है वो भी काफ़ी गिर जाएगी, है ना। तो ये 4-5 कारण है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये था अवस्फीति, ठीक है। तो हम लोगों ने मुद्रा स्फीति देख ली, अवस्फीति देख ली, क्या होता है सब चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, है ना। अब देखते हैं कि इस चीज़ को मेज़र कैसे करते हैं, मतलब मुद्रा स्फीति को मापते कैसे हैं। तो सभी लोग क्या है, मुद्रा स्फीति और अवस्फीति को अपने अपने तरीके से नापते हैं। जैसे कि यंगर जनरेशन, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग महंगाई कैसे मापते हैं, डेटा पैक, मतलब डेटा पैक कितना महंगा हो गया है, इससे हमको पता चल जाता है कि महंगाई कितनी है। और पेरेंट्स अपने तरीके से नापते हैं, सब्जी भाजी कितने रुपए रेट हो गया है ये सारा। और जो हमारे घर में दादाजी दादी जी वगैरह दादा दादी लोग हैं, ये लोग कैसे नापते हैं कि हमारे ज़माने में मतलब 5 रुपए में या 3 रुपए में इतना सारा चीज़ मिल जाता था, आजकल तो नहीं मिलता है। तो ये हम लोग ऐसे नापते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार के अपने कुछ तरीके हैं मापने के कि मुद्रास्फीति और अवस्फीति को कैसे नापते हैं। तो मेनली हमको क्या पढ़ना है, अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये 3 इंडिकेटर्स हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे हिंदी में, समष्टि आर्थिक सूचकांक, ठीक है। तो ये है, एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है थोक मूल्य सूचकांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तीसरा है उद्योग उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको 3 में टिक करना है। और मेनली गवर्नमेंट क्या करती है, यदि उसको इन्फ्लेशन चेक करना है, तो ये 2 चीज़ों का यूज़ करती है, ठीक है, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये 2 के माध्यम से क्या करती है, मुद्रास्फीति का पता लगा लेती है। और इसमें भी थोक मूल्य सूचकांक आजकल यूज़ बंद हो गया है, आजकल मेज़र किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। और ये जो सूचकांक है, इस चीज़ का यूज़ किया जाता है उत्पादन में, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज़ की एक कैटेगरी बनाई गई है, करीब 8 हैं, उन 8 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो जैसे लिखा भी है कि प्रोडक्शन, तो कितना हर महीने उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो इस चीज़ को नापने के लिए ये है उद्योग उत्पादन सूचकांक। ये नॉर्मली तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करूँगा, है ना। लेकिन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नापने के लिए ये 2 इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग थोक मूल्य सूचकांक क्या है। तो ये है थोक मूल्य सूचकांक, विभिन्न संस्थानों द्वारा बहुत बड़े स्तर पर क्रय किए जाने वाले वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की माप को प्रदर्शित करता है। यानी कि गवर्नमेंट इस इंडिकेटर का यूज़ करती है, लेकिन ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, तो ये काम करता है, जैसे मान के चलिए कोई फैक्ट्री है, तो ये F हो गया फैक्ट्री, और ये मान के चलिए होलसेलर है, ठीक है, W होलसेलर हो गया, ये एक होलसेलर हो गया, है ना, ये बहुत बड़े इंडिया लेवल पे हो गया, ये दूसरा होलसेलर हो गया,
ये क्या हो गया स्टेट लेवल पे हो गई, या तीसरा हो गया ये क्या हो गया जिला लेवल का होलसेलर हो गया। अब मान के चलिए कोई कंपनी यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे पेन बनाती है, ठीक है, तो ये पेन यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है, तो ये जो होल सेलर है इस पेन का प्राइस डिसाइड कर लेगा, ठीक है, ये पेन का प्राइस मान के चलिए अभी है 5 रुपये, फिर ये दूसरे होल सेलर में जाएगा स्टेट होल सेलर में, तो ये होल सेलर तय करेगा 5 रुपये से कितना रुपये रेट तय कर लिया, मान चलिए 8 रुपये तय कर लिया, और ये पेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो कॉस्ट लगता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, सारे टैक्स वगैरह हैं, ठीक है, स्टेट स्टेट जो भी आजकल GST में लगता है, IGST लगेगा, वो सारा चीज़ इसमें, ठीक है। उसके बाद है नीचे थर्ड, जब पेन यहाँ पहुँचेगा तो इस पेन की कीमत हो जाएगी इस होल सेलर के पास 10 रुपये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो पेन है ये सिर्फ होल सेलर के बीच में ही घूम रहा है, और इस होल सेलरों के बीच में रेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जैसे 5 रुपये से चला था, टोटल प्राइस कितना बढ़ा, 5 रुपये बढ़ गया, ठीक है, एक पेन में 5 रुपये था, यहाँ से 5 रुपये बढ़ गया। तो इसी प्राइस को ये मेज़र करता है, कौन, थोक मूल्य सूचकांक, और बताता है कि अभी इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, ठीक है, 5 रुपये पेन 5 रुपये बढ़ गया। तो ये सारा, और ये जो सूचकांक है ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए काम आता है, ये सिर्फ एक संस्थान जब बहुत बड़े स्तर पर चीज़ों को खरीदती है लेती है, यानी कि होल सेलर जो प्राइस होता है उस आधार पर ही इन्फ्लेशन जो है तय होता है। इसमें आप जैसे लोग जाके दुकान से ख़रीदते हैं और उस चीज़ का रेट बढ़ गया है, उस चीज़ का रेट बढ़ा हुआ पाते हैं, तो उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये इस सूचकांक को, ठीक है, ये सिर्फ होल सेलर्स के बीच में जो रेट्स बढ़ते हैं उसके आधार पर ये कैलकुलेट करके बताता है कि देश में कितना मुद्रास्फीति है या अस्फीति है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल के साथ आपको, और ये नोट है आप लोगों के लिए, इसमें सिर्फ वस्तुएं शामिल हैं, ठीक है, सेवा शामिल नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है, और ये सिर्फ संस्थानों, तो मैंने बताया कि सिर्फ संस्थानों के आधार पर ही ये सूचकांक रेट का कैलकुलेशन करता है। उसके बाद है परिवार द्वारा नहीं, यानी कि आप जितना भी रेट में किसी भी चीज़ को खरीदेंगे उस चीज़ से इसको, ये सूचकांक को कोई मतलब है नहीं, है ना, ये सिर्फ संस्थानों के आधार पर कैलकुलेट करता है। अब ये थोक मूल्य सूचकांक जारी कौन करता है, तो ये करता है इकोनॉमिक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जारी करता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये जो रेट जो हर क्या होता है साप्ताहिक आधार पर प्रदर्शित होता है, है ना, और इसमें जो आधार वर्ष तय किया जाता है, मतलब आधार वर्ष है वह 2011 और 12 का आधार वर्ष लिया है, यानी कि आज का रेट का कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, 2011-12 के रेट के साथ, और ये बताता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है और कितना घटा है 2011 और 12 के सापेक्ष में, ठीक है। तो ये हो गया थोक मूल्य सूचकांक। अब इस सूचकांक में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स बेस्ड इस बार क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसी साल इसके बेस ईयर में चेंज हुआ है, और इस बार मोस्ट प्रोबेबल है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कंपोनेंट्स देख लेते हैं, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फ्यूल एंड पावर, तीसरा जो कंपोनेंट है वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि मतलब, ये तो पूछ सकता है कि प्राइमरी आर्टिकल है या नहीं, फ्यूल एंड पावर मैन्युफैक्चर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछने का चांस ये है वेटेज, ठीक है, कि इस कंपोनेंट्स में सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है, तो किस चीज़ का है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है, और उसके बाद है प्राइमरी आर्टिकल्स का है, उसके बाद है फ्यूल एंड पावर का है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। और टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं पूछ लिया, तो 676 टोटल प्रोडक्ट्स हैं इस इंडिकेटर के अंदर, यानी कि ये जो इंडिकेटर है वो टोटल 676 प्रोडक्ट्स में जितने भी प्राइजेस चेंज हुए हैं उन सभी का कैलकुलेशन करके बताता है कि कितने रेट्स बढ़े हैं या फिर इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया WPI। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि CPI, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये थोड़ा सा उससे अलग है और वो पुराना मेथड है, आजकल गवर्नमेंट उस चीज़ को यूज़ भी नहीं करती है, आजकल ये यूज़ होता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या चीज़, तो ये थोड़ा सा उससे काफ़ी अलग है,
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवारों द्वारा यानी कि आप लोगों के द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं, तो इसमें सेवाएं भी आ गई, जबकि WPI में क्या था, सिर्फ वस्तुएं था, कि मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की माप को प्रदर्शित करता है। यानी कि आप यदि दुकान जाते हैं, पेन का रेट, आप पेन खरीदते हैं कोई, ठीक है, तो पेन का रेट मान के चलिए आपने 10 रुपये में ख़रीदा, तो होगा क्या, तो ये 2000, ये इंडेक्स क्या करेगा, 2011 में इस पेन का रेट कितना था उससे कंपेयर कर लेगा। तो मान के चलिए 2011 में पेन का रेट था 8 रुपये, तो इन्फ्लेशन कितना हुआ है, 2 रुपये, ठीक है, तो ऐसे ये कैलकुलेट करेगा। जबकि WPI में क्या था, सिर्फ संस्थानों के आधार पर कैलकुलेट कर रहा था, है ना। तो ये डेफिनेशन है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना और समझ भी गए होंगे। और ये जो इंडेक्स है, ये टोटल 3 टाइप के रिपोर्ट्स बनाता है, मतलब बताता है कि गांव में इन्फ्लेशन कैसा है, यानी कि रूरल एरियाज़ में इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, और अर्बन एरियाज़ में इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, और तीसरा होता है कि कंबाइंड रिजल्ट बताता है कि मतलब रूरल और अर्बन मिला के कितना मुद्रास्फीति हुई है या नहीं हुई। तो मेनली हम लोग कंबाइंड वाला ही पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को जारी कौन करता है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, CSO, ठीक है। CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है CSO। और CSO ही जारी करता है क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कब जारी करता है भाई, ये प्रत्येक माह जारी करता है, और इसका जो बेस ईयर है ये भी 2011-12 है ना। तो बेस ईयर याद रखना है आपको, बेस ईयर मेनली क्वेश्चन में पूछ रहा है आजकल, है ना। तो आगे देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज़ पूछेगा नहीं, हो सकता है कि क्या पूछे, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो ये चीज़ आपको भाई बताना है ना। एक चीज़ मैं बता दिया आपको, ये वाला चीज़ आपको बताना है। तो ये भाग हैं, मतलब कंपोनेंट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये परसेंटेज है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, बताना है। अब आगे चलते हैं, तीसरा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, यानी कि उद्योग उत्पादन सूचकांक। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि इसमें क्या होता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसके जो आर्थिक क्षेत्र हैं, उसमें जो जो प्रकार के इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जितने भी प्रकार के इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे सीमेंट जो बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ऐसा 8 करके करीब, यानी कि 8 कैटेगरीज तय किए हुए हैं सरकार ने। और ये जो इंडेक्स बताता है, उन 8 समूह तय किए गए हैं, उसमें उत्पादन कितना बढ़ा है, ठीक है। तो एक बेस ईयर तय किया गया है 2011-12, वो और आज का जो समय है, इसमें कंपेयर करते हैं कि उत्पादन कितना बढ़ा है, ठीक है। तो ये लिखा वही है कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों की हुई समृद्धि दरों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, है ना। यानी कि ग्रोथ कितना हुआ है वो 8 सेक्टर्स में, वो ये बताता है। तो एक एक करके आगे देखते हैं, तो ये भी सेम है कि CSO जारी करता है इस चीज़ को, और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो MoSP के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये है, तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो ये जारी क्या, तो ये जारी कब करता है, ये प्रत्येक महीने ये भी जारी होता है, और ये बेस ईयर 2011-12 है, ये चेंज हुआ है अप्रैल में, है ना, अभी 2017 में। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ये मैंने बताया था कि आपको 8 जो उद्योग समूह हैं, उसमें उत्पादन कितना बढ़ा है, उस चीज़ को ये मेज़र करता है। तो ये जो 8 सेक्टर हैं, इन्हीं को क्या कहा गया, ये जो 8 सेक्टर हैं, इन्हीं को कहा गया है कोर सेक्टर। कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर है या कोर सेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये 8 है, 8 आपको याद करने हैं अच्छे से, ठीक है। और अभी मैं सीक्वेंस बताऊंगा, उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। और ये जो 8 सेक्टर हैं, इसमें से क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है, इसमें ये पूछता है वेटेज, कि मतलब किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत मतलब ज़्यादा वेटेज से कम वेटेज की ओर आपको सीक्वेंस में जमा के इस चीज़ को याद करना है, है ना। तो ये मैंने जमा के दे दिया है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, कोल है,
क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है और फर्टिलाइज़र है जो जमा के दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है ना, और इलेक्ट्रिसिटी का है उसके बाद, और उसके बाद है स्टील का। ठीक है, तो ऐसे करके सीक्वेंस में जमाया हुआ है। ये सबसे लेटेस्ट है 2017 अप्रैल में ये चेंज हुआ है। और बहुत सारे पुराने कोचिंग वाले क्या कर रहे होंगे, जो पुराना जो था उस चीज़ को पढ़ा रहे होंगे, है ना, और उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज था इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको भाई याद कर लो अच्छे से, है ना, इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस इस बार ज़्यादा है। तो ये ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला भी मैंने आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी अब क्वेश्चन पूछने वाले लोग अपडेटेड हों तो फिर ज़्यादा सही है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने कवर कर लिया कि इन्फ्लेशन क्या है, फिर उसको कैसे मापते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि मुद्रास्फीति के, तो शुरुआत में मैंने क्या बताया था आपको कि ये तीन फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं इन्फ्लेशन होगा या फिर डिफ्लेशन होगा। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि हम लोग उत्पादन पे तो कंट्रोल नहीं कर सकता गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड प्रोडक्शन होता है इंडिया में और सभी कंट्रीज़ में अब तो लगभग यही है। और सप्लाई में भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो मनी सप्लाई है यानी कि लोगों के पास जो पैसे हैं, ठीक है, कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, उस चीज़ को कंट्रोल करती है। इससे क्या हो जाता है कि जो मुद्रा आपूर्ति यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसलिए उतना पैसा हो मार्केट में जिससे इन्फ्लेशन ना हो, तो इस तरह का चीज़ क्या करती है, तो इस स्थिति को क्या करती है, मेंटेन करती है कौन, गवर्नमेंट। तो ये जो मनी सप्लाई को मेंटेन कैसे करती है, तो इस चीज़ के लिए दो चीज़ें हैं। पहला है मौद्रिक उपाय अपनाती है, और मौद्रिक उपाय अपनाने के लिए क्या है, मौद्रिक नीति बनाती है। और ये कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत में। तो कोई भी देश होगा वहाँ की केंद्रीय बैंक जो होगी या फिर केंद्रीय बैंक जो होगी वो ये बनाएगी क्या, मौद्रिक नीति बनाएगी। ठीक है, और क्या करेंगे, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करेंगे। और दूसरा जो है राजकोषीय उपाय, यानी कि जो भारत सरकार या फिर कोई भी उस देश की सरकार है फिजिकल पॉलिसी बनाएगी, और उस फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तय करेंगे कि इन्फ्लेशन कितना होगा या और कितना नहीं होगा, और मनी सप्लाई वगैरह कितना होगा नहीं होगा। लेकिन इंडिया में मेनली मौद्रिक नीति के सहारे ही तय किया जाता है कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए कितना नहीं होगा, और वो मुद्रा की आपूर्ति से तय करते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, क्यों है, ये सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मौद्रिक नीति जो है वो RBI बनाती है, और RBI ही कंट्रोल करती है कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए कितना होगा, अस्फीति क्या है कैसा है। ठीक है, और इस चीज़ के लिए CPI और WPI को अपना इंडिकेटर के रूप में यूज़ करती है, मतलब नापने के लिए इन्फ्लेशन कितना है वगैरह सारा चीज़। और जो मुद्रा स्फीति और अस्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है उसमें कुछ टूल्स हैं यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिसकी मदद से RBI क्या करती है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे बाज़ार में अतिरिक्त मुद्रा है तो RBI क्या करती है कि ऐसी पॉलिसी या फिर ऐसी मौद्रिक नीति बनाती है जिससे बाज़ार से एक्स्ट्रा जो पैसे हैं उस चीज़ को वापस ले लेती है अपने पास। और यदि मार्केट में पैसे नहीं हैं या लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो क्या करती है, RBI ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है जिसमें मार्केट में पैसा को सर्कुलेट किया जाए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे क्या करती है, RBI मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित करती है। और उसके लिए उपकरण जो है मौद्रिक नीति में वो है परिमाणात्मक उपकरण, जिसको क्वांटिटेटिव टूल्स भी कहते हैं, उसके बाद है गुणात्मक टूल्स या फिर क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार के टूल्स होते हैं मौद्रिक नीति के अंदर ही होते हैं, जिससे क्या करता है ये RBI मुद्रा की आपूर्ति को मेंटेन करता है। तो ये तो सारा चीज़ मैं आपको आगे फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ये मैं जस्ट आपको अगले वीडियो का इंट्रो में आपको थोड़ा सा दे रहा था कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मौद्रिक नीति पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और अगला वीडियो देखने से पहले रुक जाएं, करीब 10-15 मिनट रुक जाएं, पहले इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पहले अच्छे से क्लियर कर लें, लिख लें, नोट्स बना लें, जो भी आपको जैसा अच्छा लगता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करें, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि आगे से थोड़ा और क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगी चीज़ें, फिर आप क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा ना करें, पहले इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लें समझ लें, उसके बाद ही आगे वीडियो को देखें। ठीक है,
तो ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, यदि आप नहीं माने तो भी अच्छी बात है, माने तो भी अच्छी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ अब इसमें। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो और ये घंटी उंटी को भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, और वीडियो को शेयर करो यार, है ना। वीडियो का शेयरिंग बहुत कम हो गया है, नहीं तो फिर वीडियोज़ वगैरह में भी हो सकता है कि मैं ना बनाऊँ, जो भी है देखते हैं क्या होगा आगे, ठीक है, यदि शेयरिंग कम हुई तो। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, जिसका नंबर है लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।